हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सुरगम। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस लेकर। दो लोगों के बीच का प्यार जब परवान चढ़ता है तो दुनिया की सारी हदें पार कर देता है, लेकिन कई बार उनके प्यार के बीच में आ जाती है उनकी फैमिली और उनका वो सपना अधूरा रह जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मरने के बाद भी अपने सपने को पूरा करने के लिए वापस आते हैं। कुछ ऐसा है वो हमारी आज की इस कहानी के अंदर जो हमारे साथ शेयर की है आस्था ने, और ये उनकी फैमिली में ही मतलब इंसिडेंट हुआ था। तो ये सिस्टर है, इनकी कजन सिस्टर थी, उसका नाम था किशा। किशा 2018 की ये बात है, ठीक है। तो ये लोग 12th क्लास में थे, तो ये साथ साथ नीट की तैयारी कर रही थी। तो जिस कोचिंग में ये नीट की तैयारी कर रही थी वहाँ पर एक और लड़का था, इसका नाम था रोहित, और दोनों साथ में पढ़ा लिखा करते थे। और कब साथ साथ पढ़ते पढ़ते इनमें फ्रेंडशिप हुई और वो फ्रेंडशिप प्यार में बदल गई, इन लोगों को भी पता नहीं चला। रोहित पढ़ने में ठीक ठाक था, कोचिंग के बाद जब किशा को कोई चीज़ समझ में नहीं आती थी तो रोहित उसको उन चीज़ों को पढ़ाया करता था। बेसिकली कोचिंग के बाद ये दोनों साथ में बैठ के पढ़ा करते थे, और इसी तरह से इनके बीच में नज़दीकियाँ बढ़ गई थी। तो इस तरह सिलसिला चलता रहा। बेसिकली किशा के घर पर ही ये लोग पढ़ा करते थे, तो घर पर आकर उसे बुला लिया करते थे और साथ में पढ़ा करते थे। और अल्टीमेटली वही हुआ जो आप लोग सोच रहे हैं, लड़के का सिलेक्शन 20-30 नंबर से रुक गया और जो किशा थी उसका सिलेक्शन हो गया। लेकिन उसको भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, उसको नेपाल के एक प्राइवेट कॉलेज के अंदर मतलब बेसिकली MBBS की प्रिपरेशन के लिए, पढ़ाई के लिए भेज दिया गया। और जो लड़का था इसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, फैमिली लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से थी, तो ये 20-30 नंबर से रह गया था। तो इसने फिर अपने ही जो अपना सिटी थी मुजफ्फरनगर, वहीं के एक कॉलेज के अंदर BSc में एडमिशन ले लिया। दोनों दूर हो चुके थे, बहुत दूर हो चुके थे, लेकिन फिर भी दोनों का रिलेशनशिप मेंटेन था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे की बहुत केयर किया करते थे। इसी तरह सिलसिला चल रहा था, और कब 3 साल गुजर गए पता ही नहीं चला, और इस लड़के का BSc कंप्लीट हो गया। और जब इस लड़के का BSc कंप्लीट हो गया तो घर में पैसों की जरूरत थी, तो इसने कंप्लीट होते ही एक स्कूल के अंदर लैब इंचार्ज की जॉब ले ली, जहाँ पर इसको 15,000 रुपये की सैलरी मिला करती थी। ऑल्दो पैसे बहुत कम थे, लेकिन फिर भी इसको कोई ना कोई जॉब चाहिए थी। और किशा जो थी वो बहुत केयर करती थी इसकी, तो उसने भी क्या किया, अपनी नीट के तरीके के साथ साथ नेपाल में ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। और उससे उसको करीबन नेपाली करेंसी में 10,000 रुपये महीना मिला करते थे। वो पूरे के पूरे पैसे एज इट इज़ वो इस लड़के रोहित को ट्रांसफर कर दिया करती थी, जो कि इंडियन करेंसी के अंदर 6,000 रुपये होते थे। ऑल्दो किशा को ऐसे कोई जॉब करने की जरूरत नहीं थी, बट उसका टाइम भी पास हो जाता था और साथ ही साथ वो रोहित की हेल्प भी कर पाती थी। इस तरह से रोहित किशा से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था, क्योंकि वो उसका केयरिंग नेचर, उसकी हेल्पिंग नेचर से बहुत ज़्यादा मतलब बोल सकते प्रभावित था। और ये लोग जब फ़ोन पर बात किया करते थे तो वो साफ साफ बोला करता था कि किशा चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमसे ही शादी करूंगा, और ये भी बात ध्यान रखना कि मैं तुम्हें किसी और से भी शादी करने नहीं दूंगा, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। ये बात सुनकर किशा उसको मजाक में ले लिया करती थी। तो फिर किशा उससे पूछा करती थी, अच्छा अगर पापा ने किसी से मेरी शादी किसी ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो बोलता था कि अगर तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती किसी और से करने की कोशिश की तो पहले तो मैं मर जाऊँगा, और मरने के बाद मैं वापस आऊँगा तुम्हें अपने साथ लेने, और फिर तुम्हें अपने साथ लेकर चला जाऊँगा। जीते जी हम अगर एक नहीं हो पाए तो क्या हुआ, हम लोग मरने के बाद तो एक हो सकते हैं और हमें कोई भी नहीं रोक सकता है। तो किशा से बोलते थे, तुम फिल्मी डायलॉग बहुत मारने लग गए आजकल, ठीक है ये सब बातें छोड़ो। और इस तरह से इनका रिलेशन चलता रहा, दोनों हमेशा एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहते थे और वो किशा इसकी हेल्प हमेशा किया करती थी। इस तरह 2 साल और गुजर गए। 2 साल के बाद किशा इंटर्नशिप के लिए इंडिया वापस आई। जब तक वो इंडिया वापस आई उसकी एज करीबन 25 साल की हो चुकी थी। तो इनके जो फादर थे किशा के, फादर ने डिसाइड किया कि भाई अब लड़की की उम्र हो गई है, इसकी थोड़ी शादी वगैरह की तैयारी करते हैं, शादी के लिए लड़का ढूंढना शुरू करते हैं। तो किशा ने अपने फादर से कहा कि पापा अभी मैं शादी के लिए मेंटली तैयार नहीं हूँ, मुझे एटलीस्ट 1 साल और चाहिए। उनके पापा ने कहा ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा, 1 साल और ले, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब किशा पहुँचती है रोहित के पास, वो बोलती है कि मेरे पापा मेरी शादी के लड़का ढूंढ रहे हैं और अब तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा। रोहित की इच्छा आपको पता ही है, वो किशा से किसी तरीके से शादी करना चाहता था, और उसने अपनी वो जॉब छोड़कर और नई नई जॉब्स ढूंढना शुरू किया। वो हर बार एक नई जॉब ढूंढने की कोशिश करता जहां उसको ज़्यादा सैलरी मिले, लेकिन घूम फिर कर उसको 25,000 रुपये से ज़्यादा की कोई भी जॉब नहीं मिल पा रही थी उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से। और इसीलिए कहा जाता है जब आपके पास टाइम होता है ना तब आपको मेहनत अच्छे से करनी चाहिए। जब रोहित के पास टाइम था, ऑल्दो वो किशा की हेल्प कर रहा था, लेकिन वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाता। अगर वो 30-40 मार्क्स और ले आता तो शायद आज उसको ये टाइम, ये दुख नहीं झेलना पड़ता। उसकी फैमिली के अंदर पहले से कोई बैकग्राउंड नहीं था, वो मुजफ्फरपुर में भी एक रेंटेड हाउस के अंदर रहते थे। उसके पापा एक शॉप के अंदर मैनेजर का काम करते थे जहाँ उनकी सैलरी 7,000 रुपये थी। 25,000 मिलाकर टोटल
32,000 रुपीज वो महीने के कमा रहे थे, इनके पापा मम्मी का दवाई का खर्च, रेंट वगैरह, इन सब में सब कुछ निकल जाता था। कोई इनके पास जमीन नहीं थी, कुछ नहीं था। और आज सिर्फ इसी वजह से वो एक ऐसी सिचुएशन में आगे खड़ा हो गया था कि उसको, जिस लड़की से वो सबसे ज्यादा प्यार करता है, उसको भी उसे खोना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ उसकी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से। इस तरह से फिर से एक और साल गुजरा, और एक साल के बाद जब इनके पापा ने, किशा के पापा ने वापस से बात की कि बेटा अब एक साल हो गया, अब हम तुम्हारी शादी करेंगे, अब कुछ नहीं हो सकता, तो बड़ी हिम्मत करके उसने पहले तो अपने बॉयफ्रेंड से बोला कि तुम अपने पापा को लेकर मेरे पापा से मिलने आओ। इधर उसने अपने पापा को बताया कि पापा एक लड़का है रोहित जिससे मैं प्यार करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, एक बार आप उन लोगों से मिल लो। तो वो लोग इनके घर पर आए। अब जो किशा के फादर थे वो वहाँ के एक बिजनेसमैन थे, उनके अच्छी खासी एक ज़मीन भी थी, लैंड मतलब आप बोल सकते हो बहुत बढ़िया लैंड वगैरह थे, और एरिया में बहुत उनका नाम था। तो और किशा जो थी वो उनकी इकलौती बेटी थी, तो आप सिचुएशन को समझ सकते हैं। यहाँ पर दो फैमिलीज के अंदर स्टेटस डिफरेंस है, और यही स्टेटस डिफरेंस इन दोनों की लव स्टोरी का ब्रेकिंग पॉइंट बना। जब रोहित के फादर और रोहित इनके पापा से मिलने आए और उन्होंने इनकी बेटी का रिश्ता अपने बेटे के साथ करने के लिए कहा, और जैसे उन्होंने ये बात कही वो बिल्कुल गुस्से में आ गए। उन्होंने बोला किशा वापस से वो सामने आती, क्या हुआ पापा, ये लोग क्या बोल रहे हैं? तो बोलती है कि हाँ पापा ये सही बोल रहे हैं, रोहित है, मैं इससे प्यार करती हूँ और मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। और जगह से बैठे हुए बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तुमने आज हमारा भरोसा तोड़ दिया, हमें तुमसे कितनी उम्मीदें थी और तुम ये सब कर रही हो, और तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही अपने बाप के सामने खड़े होकर ये सब एक्सेप्ट कर रही हो? तुम्हें ये सब करने से पहले मर जाना चाहिए, तुम्हें हमारी इज्जत, हमारे स्टेटस, इन सब की जरा भी परवाह नहीं है? क्या यही सब करने के लिए हमने तुम्हें इतने साल पढ़ाया, हमें तुमसे कितनी उम्मीदें थी और तुम हमारी नाक कटाने में लगी हुई हो? ये सब सुनकर किशा बहुत तेज रोने लगी और वहां से भाग गई। उसके जाने के बाद इसके फादर इसके बॉयफ्रेंड के पास यानी रोहित के पास गए और उससे पूछा, क्या करते हो तुम? तो उसने बोला कि सर स्कूल के अंदर लैब इंचार्ज हूँ। कितना कमा लेते हो? सर 25,000 रुपये कमा लेता हूँ। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? सर वो एक शॉप के अंदर मैनेजर हैं। वो कितना कमाते हैं? सर 7,000 रुपये। बस 32,000 रुपये कमाते हो महीने के? घर है तुम्हारा यहाँ पर? बोलते हैं हाँ सर, मुजफ्फरपुर में रहते हैं। खुद का घर है? नहीं साहब, किराए पर रहते हैं सर। और कोई ज़मीन वगैरह है गाँव के अंदर? तो सर गांव में एक छोटा सा घर है, जमीन वगैरह नहीं है। तुम्हारी औकात क्या है हमारे सामने? तुम जो भी हो ना, तुम कमाते ठीक से हो, तुम्हारा बाप एक दुकान के अंदर नौकर है, और तुम चाहते हो कि मैं अपनी इकलौती बेटी तुम्हारे साथ ब्याह दूं? मेरी बेटी ने आज तक एक गिलास पानी भी अपने हाथ से नहीं पिया है। औकात देखकर सपने देखने चाहिए। तुम जैसे लोग ऐसी लड़कियों को देखते हैं, उनको फंसा लेते हैं और उसके बाद आकर उनकी जमीन जायदाद पर अपनी आंखें गड़ा के बैठे रहते हैं। ये रिश्ता नहीं हो सकता, भाग जाओ यहां से। और इस तरह से उनको बेइज्जत करके उनके पापा ने वहां से भगा दिया। तो वो लोग जाने लगे, उन्होंने पूछा और सुनो तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने बताया जी सर रोहित। दोबारा मेरी बेटी के आसपास भी मत दिखना वरना पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा, और अब चलते बनो यहां से। इस तरह से बेइज्जत करके दोनों बाप बेटे होकर वहां से चले गए। एक हफ्ते तक इनके फादर ने किशा से बात नहीं की। फिर किशा की मम्मी ने इनके पापा को समझाया कि सुनो बेटी बड़ी हो गई है, तुम्हें डांटना पुटना छोड़ो, उसे प्यार समझाओ, प्यार समझाकर हम उससे अपनी बात मनवा लेंगे, तुम इस बात की चिंता बिल्कुल मत करो। और फिर शुरू हुआ मम्मी पापा का इमोशनल ड्रामा। ये लोग किशा के पास पहुंचे और किशा के पास पहुंचकर उनकी मम्मी रोने लगी, बोलने लगी कि आज जिंदगी में पहली बार मुझे बेटे की कमी महसूस हो रही है। आज हमारा अपना बेटा होता तो हम अपनी पसंद से धूमधाम से उसकी शादी करते, हम जो कहते वो करता, लेकिन भगवान ने हमें बेटा दिया ही नहीं, हमें तो बेटी दी जो अपने सपने खुद से बुन रही है, उसे अपने माँ बाप के सपनों की तो चिंता ही नहीं है। फिर उसके पापा बोले कोई बात नहीं बेटा, तू मेरी इकलौती बेटी है, तेरी इच्छा मैं नहीं मारूंगा, अगर तेरी इच्छा उस लड़के से शादी करने की तो मैं तेरी शादी उसी लड़के से करवाऊंगा, तो चिंता मत कर, लेकिन उससे पहले मैं मरने जा रहा हूं, मैं मरने से पहले अपने छोटे भाई को बोल दूंगा कि मेरे मरने के बाद इसकी शादी उस लड़के से करवा देना, ताकि ये अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहे। अब आप समझ सकते हैं एक लड़की जिसके सामने उसके मदर फादर उसको इस तरह से इमोशनल एक वो उसके सामने घेराबंदी, जैसे आप लोग इमोशनल ब्लैकमेलिंग बोलते हो, वो टूट गई बेचारी, वो रोने लगी बहुत तेज तेज, उस बोली कि नहीं पापा मम्मी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप नहीं समझते हो। थक हार कर उसने बोल दिया कि ठीक है, मन मार के बेचारी ने कहा कि आपको जो करना है आप कर लीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, कोई बात नहीं, मैं अपना सपना तोड़ दूंगी। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए। उन्होंने बिना पूछे, बिना किशा से पूछे एक लड़के के साथ उसकी शादी तय कर, उन्होंने एक बढ़िया अपने लेवल का पैसे वाला आदमी मतलब लड़का ढूंढा और उसके बाद इनकी शादी तय कर दी। लेकिन ये सब उन्होंने किशा को नहीं बताया। उन्होंने एंगेजमेंट की डेट तय की और उससे 2 दिन पहले किशा को बताया कि 2 दिन बाद तुम्हारी एंगेजमेंट है। तो जब उसको पता लगा तो बहुत तेज रोने लगे, उसने बोले कि नहीं मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे अकेले रहना है और मुझे अभी आगे पीजी की तैयारी करनी, मुझे शादी वादी नहीं करनी। फिर दोबारा से इनकी मम्मी पापा ने इनसे बातचीत की, इनको वही इमोशनली ब्लैकमेल किया और वापस से उससे एंगेजमेंट के लिए हाँ बुलवा ली।
इसकी एंगेजमेंट हुई, एंगेजमेंट के दो दिन के बाद, मतलब एंगेजमेंट जब हुई, फोटोज वगैरह हुई, तो इनके एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू ये फोटोज रोहित के पास पहुंची। रोहित इस गम को झेल नहीं पाया और एंगेजमेंट के एक वीक के अंदर अंदर ही रोहित ने अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया। यहां रोहित ने अपनी कही बात को साबित कर दिया था। उसने कहा था कि अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगा, और उसने अपना 50% पार्ट कंप्लीट कर दिया था अपने प्रॉमिस का। लेकिन क्या अगला 50% पार्ट भी वो पूरा करेगा? इस इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद ही, एक्चुअली किशा की शादी उसके एंगेजमेंट के 2 महीने बाद थी, और जब रोहित ने अपने आप को खत्म किया और इसकी बात पता चली किशा को, तो वो भी बहुत फूट फूट कर रोई। लेकिन उसके कुछ दिन के बाद से ही किशा की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी, क्योंकि 2 ही महीने का टाइम था शादी के अंदर, सभी लोग शादी के तैयारियों में लगे हुए थे, शॉपिंग करने जाना, ये करना, वो करना, वो किशा को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाया करते थे, लेकिन वो बिल्कुल चुपचाप बैठी रहती थी, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था शॉपिंग वगैरह के अंदर, वो बिल्कुल जहाँ भी शॉप आती चुपचाप एक साइड बैठ जाती, सब लोग कपड़े वड़े पसंद करते उससे पूछते, वो कोई जवाब नहीं देती थी। धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होती जा रही थी, सब लोगों को लग रहा था कि शादी की तैयारी का प्रेशर है, इसका मन भी नहीं था शादी करने का, जबरदस्ती शादी करवाई जा रही है, इसलिए थोड़ा इसी तरह से नाटक कर रही है कि कैसे भी करके इसकी शादी पोस्टपोन हो जाए, ये सब लोग यही समझ रहे थे। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं था। जैसे जैसे शादी की डेट पास आती जा रही थी, किशा की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। जब शादी को करीबन 10 दिन बजे थे, उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है, वो मतलब तबीयत ख़राब नहीं तो वो सेंस कमज़ोर हो गई थी, और वो बेड से भी नहीं उठ पा रही थी। और रात के टाइम जब उसके आसपास लोग बैठ रहते थे, उसको सो जाती थी, तो नींद के अंदर बड़बड़ाया करती थी कि वो आया है, वो मुझे ले जाएगा, वो कह रहा है कि अगर मेरी शादी उससे नहीं हुई तो वो किसी और से भी नहीं होने देगा, वो मुझे ले जाएगा। सब लोगों को समझ नहीं आता कि क्या बकवास कर रही है, क्या बोल रही है। जब शादी को करीबन 7 दिन बचे तो सब इतनी ख़राब हुई कि उसको हॉस्पिटलाइज किया गया। हॉस्पिटल के बेड पर जब वो लेटी हुई थी, उसके पापा वहीं पर थे, पापा मम्मी दोनों ही, तो अचानक से वो उठती है और ऐसे हंसती है और फिर बोलती है, आपको क्या लगता है, आप इसकी शादी किसी और से करवा दोगे और मैं देखता रहूँगा? इज्जत से आपसे इसका हाथ मांगने आया था, जब तो आपने मुझे बेइज्जत करके भगा दिया, लेकिन अब मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊंगा, और तुम में से अगर किसी में भी दम है तो मुझे रोक के दिखा दो। और एकदम से वो बेहोश हो गई। किसी को और कुछ तो समझ में नहीं आया, लेकिन ये समझ में आ चुका था कि ये कोई ऊपर की चीज है, और कहीं ना कहीं इनके दिमाग में वापस आया कि वो ये स्टेटमेंट तो लड़के रोहित का है। उन्होंने जब खंगाला पता किया तो उनको पता लगा कि उसने तो करीबन 1.5 महीने पहले सुसाइड कर लिया है। अब इन्होंने पंडित ढूंढना शुरू किया अपने पूरे सर्कल के अंदर की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जब शादी के 4 दिन बचे थे, हॉस्पिटल में ही किशा की डेथ हो गई। उसकी डेथ के बाद उसके मम्मी पापा बुरी तरह से टूट गए। उनकी इकलौती बेटी शादी के 4 दिन पहले उसकी डेथ हो गई, और उससे 2 दिन पहले उसी किशा ने किसी और आवाज़ में उनको ये स्टेटमेंट कहा था। किशा की मौत के बाद इनके कजिन्स को इनकी एक डायरी मिली। उस डायरी में उसने सब कुछ लिखा हुआ था, कैसे रोहित और किशा आपस में मिला करते थे, बात किया करते थे, और उसी में एक लाइन थी जहां पर किशा ने लिखा हुआ था कि रोहित तुम हमेशा कहते थे ना कि हमारा रिश्ता LIC की पॉलिसी जैसा है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। रोहित ने जो स्टेटमेंट दिए थे उन स्टेटमेंट्स को उसने पूरा किया। वो वापस आया और अपनी किशा को अपने साथ ले गया। जिस घर में शादी होनी थी उस घर में रोना धोना मच गया, और इस तरह से माता पिता के अहंकार की वजह से जवान लड़के और लड़की की मौत हो गई। ऑल्दो वो भी अपनी जगह पूरी तरह सही थे, उस लड़के की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो उतनी अच्छी नहीं थी कि अपनी उस बेटी जिसको उन्होंने नाजों से पाला है उसको वो उसे दे सके, लेकिन इस चीज का कोई ना कोई सलूशन निकल सकता था। ये इसका सलूशन नहीं था। अगर उनको सिर्फ फाइनेंशियल कंडीशन से ही प्रॉब्लम थी तो वो उस लड़के को अपने सानिध्य में रखकर उसको फाइनेंशियली प्रिपेयर कर सकते थे कि वो उनके लेवल पर आए, वो उसे मोटिवेट कर सकते थे, उसे रास्ते बता सकते थे। अगर वो खुद बिजनेस कर रहे थे तो वो अगर वो चाहते तो वैसा कोई ना कोई जुगाड़, ऐसा कोई ना कोई रास्ता निकाल सकते थे कि अल्टीमेटली वो भी उनके ऑलमोस्ट सिमिलर या फिर उस लेवल पर आ जाए कि उनको लगे कि हाँ अब इसका फ्यूचर सेट है, मेरी बेटी का ध्यान रख सकता है। इंस्टेड ऑफ कि उन्होंने उसको धुतकार कर भगा दिया, और इसी वजह से उनको अपनी बेटी को भी खोना पड़ा। ऑल्दो उनकी बेटी उनकी भावना में आकर उनके साथ हो चुकी थी, जो वो कह रहे थे वो अपना मन मारकर वो कर रही थी, लेकिन एक और सुपरनेचुरल फोर्स था जो अपने प्रॉमिस को पूरा करने में लगा हुआ था, और उनके आगे इनकी एक भी नहीं चली। तो ये थी किशा और रोहित की लव स्टोरी। आई होप आप सभी लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। आप लोगों के क्या व्यूज हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या यही स्टोरी का सही अंत था,
या वाकई में कुछ और भी हो सकता था अगर इसके मदर और फादर चाहते तो अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ और रास्ता भी निकाल सकते थे। अपने व्यूज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।